दोस्तों, मैं योगेंद्र योगे अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कि क्या हाल होते जा रहा है हमारे देश का, हमारे विश्व की जनता त्राहिमाम कर रही है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आज कौन से हालत में देश पहुंच गया है। जो पिछला साल आपने अमेरिका की स्थिति देखा हुआ था, ठीक आज उससे शायद बद से बदतर होते जा रहा है भारत की स्थिति। आगे मैं दिखाऊंगा कि आपको कोरोना से बचने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे और कहाँ कहाँ बचना होगा जो जरूरत से ज्यादा आवश्यक है। एक समय भोजन करिए न करिए, लेकिन घर से बाहर निकलने के जितना कम हो सके उतना प्रयास करिए। जैसे आपको ये भी मैं बताते चलूंगा, टॉप 10 कोरोना केसेस स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ऐसे महत्वपूर्ण 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ की जनता एकदम अपने लाशों को सही जगह रखने के लिए उनको जगह नहीं मिल पा रहे हैं। ये डराने वाली बात नहीं है, बशर्ते मैंने अपने कुछ नियर डियरेस्ट से जो बाहर रह रहे हैं उनसे ये फोन करके जानकारी ली हुई है, जो कि अति आवश्यक है इसे सतर्क रहना। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए हमेशा आपको सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जैसे एक बीमार व्यक्ति की ड्रॉपलेट से लार जो अन्य चीजों को भी प्रभावित कर सकते हैं, ये आपको खूब पता है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। पता नहीं, कोई नहीं जानता है कब किसको क्या हो सकता है। जैसे इनके द्वारा जिन जिन वस्तुओं को, जिन जिन जगह को छुआ जा रहा है, उससे कृपया आप बचने का प्रयास करें। जैसे आप देखेंगे कि जो भी कोविड प्रभावित व्यक्ति हैं उनके हाथ दूषित हो गए हैं, उनके उनके द्वारा यूज किए जा रहे कलम है, ट्रेन के अंदर पकड़े जाने वाले हैंडल है, पट्टियां हैं, दरवाजे के हैंडल है, डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल है, टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर तो यूज करना ही चाहिए। टिश्यू पेपर यूज करके हमेशा डस्टबिन में फेंकने का प्रयास करें। फिर वो जहाँ जा रहे हैं वो सीढ़ी की रेलिंग है, माउस है, कप है, लिफ्ट के बटन है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इन जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, उसको आप कृपया छूने से बचें। इतना ही नहीं, आप ये भी ध्यान देंगे कि आप जो मास्क लगा के बाहर जा रहे हैं, अंदर का तो भाग ठीक है, लेकिन उस मास्क के बाहरी भाग जो प्रभावित हो सकते हैं, उस बाहरी हिस्से को साफ करने या फिर उसको डिस्ट्रॉयड कर देने का प्रयास करें। जो मास्क लगा के जा रहे हैं उसको आके डस्टबिन में फेंक देने में ही भलाई है, यदि आप अच्छा स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या विशेष है और कोरोना वायरस से बचाव के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जिस पे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। कोरोना वायरस के सभी उम्र के लोग संक्रमित हो सकते हैं। ये भ्रम जो था कि ज्यादा लोग, बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग ही ग्रसित हो पाएंगे, लेकिन अब आप ध्यान दें, ये जो दूसरे दौर की जो कोरोना की महामारी आई हुई है, जो दूसरा वेव आया है, ये इसमें सारे लोग ग्रसित हो रहे हैं। नए या फिर बूढ़े, बच्चे जो भी हैं, सभी लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए कृपया आप भीड़ भाड़ वाली अनावश्यक जाने से बचें। दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बांध के रखें। 1 मीटर बोले तो 3 फीट की दूरी कम से कम जरूर मेंटेन करें, क्योंकि आप ध्यान देंगे जो भी ड्रॉपलेट निकलता है, अगर जिस जो भी संक्रमित व्यक्ति है अगर वो छींकता है या खांसता है, तो उसके ड्रॉपलेट अधिक से अधिक 3 फीट तक ही जा पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा अगर हवा का रुख आपके तरफ हो तो 3 से 4 फीट तक जा सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जितने ज्यादा दूरी बना के रखें वही अच्छा है। वैसे मिनिमम 3 फीट की दूरी जरूर बना के रखें। अपनी पिछली यात्रा की जानकारी या संभवतः कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क को न छिपाएं। मतलब इनका कहना यह है कि आप किसी भी व्यक्ति के पास अगर जाते हैं, वो कोरोना से संक्रमित है, तो कृपया इस बात को हमेशा आप जानकारी दें कि मैं इनसे मिल के आया हूं, तो आप कृपया दूर रहने का प्रयास करें, और भी दूर रहें तो ज्यादा हितकर होगा। कोरोना वायरस से सुरक्षा एवं इलाज के लिए स्वयं कोई भी दवा लेने का प्रयास न करें बिना डॉक्टर से सलाह ली। आगे हम लोग देखेंगे और क्या बता रहे हैं। तो कोविड-19 महामारी के समय में सकारात्मक रहें हमेशा। ये जरूर ध्यान दें कि आप जब भी जीवन में अगर कभी भी कोई बीमारी हो, महामारी हो, इंडेमिक हो, पेंडेमिक हो या फिर एपिडेमिक हो,
किसी भी हाल में, तो हमेशा आप अपने पर विश्वास रखें सर्वप्रथम, दूसरी की नियमित रूप से व्यायाम करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करते रहें फोन के माध्यम से ना कि पास में लड़के, दूरी मेंटेन करें, अपने दिन को व्यवस्थित रखें, बिजी रखेंगे किसी तरह की निगेटिव बात नहीं आएगी मन में तो आप शायद सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरे को प्रेरित करते रहें फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, वर्चुअल कॉन्टेक्ट करके, तो शायद आप और लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक जानकारी के साथ खुद को तनावग्रस्त न करें, मतलब कि ऐसे बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं या फिर उल्टा पुल्टा किसी तरह की जानकारी न लें जो कि आपको शायद तनावग्रस्त कर दें। तो इस तनावग्रस्त रहने के लिए ही आपको बार बार बताई जा रही है कि हमेशा अपने आप को बिजी रखें, व्यस्त रखें, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में लगे रहें, जरूरत पड़ने पर मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से सलाह लेना न भूलें। याद रहे कि इस महामारी में हम सब एक साथ हैं, इसे डरना नहीं है बस हमें लड़ना है। और ये बात याद रखें कि बचाव ही निदान है, इस बीमारी से जब भी बचना है जितना बच के रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि आज हमारी जनता के बीच में ये भ्रम फैला हुआ है कि अगर कोरोना वायरस का टीका लेते हैं तो वो आगे नुकसान भी कर सकता है। कृपया इस भ्रम से बाहर आए और कोविड का जो भी वैक्सीन आया है इस वैक्सीन को लेने के लिए आगे आए और देखते हैं इन क्या खबर है। इन्होंने फुल प्रूफ के साथ आपको अपना वीडियो दिखाया है, तो आते हैं इनके बातों को हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं। अब आप सुनिए कितनी बड़ी खबर है, मतलब वैक्सीन बचा रही है, वैक्सीन हमें सुरक्षित कर रही है। किसी भ्रम में मत पड़िए, अगल बगल चिंटू मिंटू बबलू को सुनकर और फलाने पिंकी बुआ के घर में उसको तो वैक्सीन लेने के बाद भी हो गया, नहीं, ये सरकारी डेटा है, ऑफिशियल डेटा है कि 93 लाख लोगों को वैक्सीन का जो पहला डोज पड़ा उसके बाद मात्र 4,208 लोगों को वैक्सीन पड़ने के बाद भी कोरोना हो गया। और जिसको सेकेंड डोज पड़ा 17,37,178 लोगों को वो वैक्सीन का सेकेंड डोज पड़ चुका है, उसमें से मात्र 695 लोगों को उसके बावजूद कोरोना हुआ, यानी 0.04%। इस डेटा को ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यानी कोवैक्सीन जो अपने देश में बनी हुई है हैदराबाद में वो इतनी इफेक्टिव है कि मात्र मात्र 4% नहीं 0.04% इनको दोबारा कोरोना हो रहा है, यानी ये कोरोना से जबरदस्त बचाव कर रही है वैक्सीन। अब दूसरा डेटा देखें कोविशील्ड का, कोविशील्ड का डेटा कहता है कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों, 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविशील्ड का इंजेक्शन लग चुका है। और इसमें से आगे डेटा देखिए, ये डेटा कहता है 10,03,002,745 लोग जिनको पहला डोज लग चुका है कोविशील्ड का, उसमें से मात्र 17,145 लोग फिर से कोरोना पॉजिटिव हुए, यानी 0.02%, यानी 10 करोड़ लोगों को लगा उसमें से 17,000 को, मात्र 17,000 को दोबारा कोरोना हो गया। कितना जबरदस्त वैक्सीन काम कर रही है। और जिनको सेकेंड डोज लग गया यानी 1,57,32,754 लोगों को, उसमें से मात्र 5,000 लोगों को दोबारा कोरोना हुआ है, यानी 0.03%। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी उम्मीद की खबर है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये खबर आज की तरह फैलाइए कि वैक्सीन जबरदस्त काम कर रही है और जिसको भी मौका मिले वो वैक्सीन लेने जाए। देखिए भारत हो, इटली हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, भारत की जितनी आबादी है, अगर हम बिना वैक्सीन लिए लड़ने की कोशिश करेंगे तो कोई नरेंद्र मोदी आ जाए, कोई दूसरा नेता आ जाए, इतने संसाधन पैदा नहीं कर सकता कि वो 140 करोड़ लोगों की जिंदगी पर ऑक्सीजन सप्लाई करके और रेमडेसिविर सप्लाई करके और उनको बेड दिला के बचा पाएगा। हमें पहले अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी कि हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी ये निभानी होगी कि हम वैक्सीन लें। और इसीलिए मैंने कहा कि इस संकट के काल में सबसे उम्मीद की खबर आपको बता रहा हूं कि वैक्सीन जबरदस्त काम कर रही है। गरीब मोहल्ले पड़ोस सबको बता दीजिए, जिसको वीडियो दिखा सकते हैं दिखा दीजिए, बता दीजिए डेटा के साथ कि बॉस जिसको लग गया समझिए कि वो जबरदस्त तरीके से बचा हुआ है। लेकिन लगने के बाद मतलब ये नहीं है कि मास्क उतारकर फेंक दिया और गले मिलने लगे, वो प्रिकॉशन आपको फिर भी लेना है। और 17,000 या 0.04% 0.03% की श्रेणी में आपको नहीं आना है,
तो ये है इनकी बातें और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, कृपया आप इसे अमल करें, इसे जितना हो सके लोगों तक फैलाएं, शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को जरूर दबा लें, और हमेशा आप कोशिश करेंगे कृपया होम आइसोलेशन में ही रहें, अपने घर पर ही ट्रीटमेंट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो हॉस्पिटल बहुत भयावह हो चुका है, हॉस्पिटल बहुत डरावने हो चुका है, वहां जितना ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है उससे ज्यादा लाशें निकल रही हैं। तो मित्रों, इससे आगे हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, चूंकि आप हर चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।